जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करने वाले हम लोग एसईपीसी लिमिटेड कंपनी के राइट इशू के बारे में। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, जब इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था राइट इशू के बारे में, तो उस समय बहुत सारे डिटेल्स नहीं आया हुआ था क्योंकि इशू तब ओपन नहीं था, और अभी ये इशू ओपन हो गया है तो बहुत से नए अपडेट आ गए हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अभी समझिए, अगर आपके पास पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो काफी बढ़िया बात है, क्योंकि तभी आप एलिजिबल होंगे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये कंपनी भी काफी बढ़िया है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र की कंपनी है, इंजीनियरिंग सुविधा भी प्रोवाइड करती है, काम काज काफी बढ़िया है, ठीक ठाक कंपनी है। और राइट इशू में यदि आप इस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, मैं यह भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए यहां पे देखेंगे तो अभी करंट में जो इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 18.59 रुपए, यानी कि तकरीबन 18.5 रुपए का प्राइस आसपास इसका प्राइस चल रहा है। जब भी कोई कंपनी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट करती है तो शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिलता है, इससे घबराना आपको नहीं है। तो ये एक बात मान के चलिए, जब कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटल ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इशू ओपन हुआ है 5 जुलाई से ओपन हुआ है और 19 जुलाई तक ओपन रहेगा, यानी कि कोई व्यक्ति यदि इस राइट इशू में अप्लाई करना चाहता है तो 19 जुलाई तक का उसके पास टाइम है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें अप्लाई करने के फायदे क्या होंगे। यदि मान लीजिए इस राइट इशू में आप अप्लाई करते हैं तो आपको मार्केट भाव से कम प्राइस पे इस कंपनी का शेयर मिल जाएगा। सबसे पहला फायदा, मार्केट में अभी इसका प्राइस 19 रुपए के आसपास चल रहा है और यहाँ पे एक शेयर आपको सिर्फ और सिर्फ 13 रुपए में मिल रहा है। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा शेयर बाई करेंगे, प्लस आप चूंकि कम प्राइस में बाई करें तो आपका जो एवरेजिंग प्राइस है जो इस कंपनी में वो कम हो जाएगा, और एवरेज प्राइस जितना कम रहे उतना बढ़िया होता है। दूसरा फायदा ये होगा कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स जब बढ़ जाएंगे तो आगे कंपनी जब भी डिविडेंड या बोनस लेकर आती है तो उस केस में आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब समझिए, इस राइट इशू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कौन से लोग होंगे। जो लोग यहाँ पे रिकॉर्ड डेट लिखा गया है 25 जून, यानी कि जो व्यक्ति 25 जून के पहले इस कंपनी के शेयर्स को बाई किया होगा, सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति एलिजिबल होंगे इस कंपनी के राइट इशू में अप्लाई करने के लिए। और सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है एलिजिबल होने के लिए, एक क्राइटेरिया और होता है, वो होता है रेशियो का। यहाँ पे देखो, उसको इंटाइटलमेंट कहते हैं, यानी कि रेशियो। इस कंपनी में जो राइट इशू में अप्लाई करने के लिए रेशियो रखा गया है वो रखा गया 6:15 का। मतलब ये हुआ कि हर 6 शेयर पे उसका सॉरी हर 55 शेयर पे 6 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा मिलेंगे वो राइट इशू वाले शेयर कहलाएंगे। आसान भाषा में गए तो कम से कम आपके पास 55 शेयर होगा तभी आप इस कंपनी के राइट इशू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। जिस व्यक्ति के पास कम से कम 55 शेयर होगा उसके पास अभी देखेंगे तो 6 एक्स्ट्रा शेयर उसके डीमेट अकाउंट में आ गए होंगे, और ये जो एक्स्ट्रा शेयर आपको दिख रहे होंगे वही राइट इंटाइटलमेंट्स वाले शेयर हैं। अब ध्यान से समझिए, यदि किसी व्यक्ति के पास 55 से ज्यादा शेयर, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 60 शेयर या किसी व्यक्ति के पास 70 शेयर है, 75 शेयर है, तो उसे कितने राइट इशू के शेयर्स मिलेंगे, तब भी उसे सिर्फ और सिर्फ 6 ही राइट इशू के शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि 55 के मल्टीपल जब होगा, जैसे 55 पर 6 राइट इशू के शेयर्स मिले, इसी तरीके से जब 110 शेयर्स किसी व्यक्ति के पास होगा तब उसे 12 राइट इंटाइटलमेंट्स के शेयर मिलेंगे, और इसी तरीके से 55 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उस हिसाब से आपको राइट इंटाइटलमेंट्स के शेयर मिलते रहेंगे। राइट इशू में अप्लाई करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं मैंने शुरू में ही बता दिए हैं। अब मान लीजिए यदि राइट इशू में आप अप्लाई नहीं करते तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई नहीं करने की बात छोड़ी, जिसके पास पहले से 55 शेयर्स हैं और उसे यदि 6 एक्स्ट्रा शेयर्स मिल गए राइट इंटाइटलमेंट्स का, और वो व्यक्ति यदि अप्लाई नहीं करना चाहता है तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे देखिए डेट लिखा हुआ है रिनन्सिएशन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट्स। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो व्यक्ति अभी एलिजिबल हैं, जिनको राइट इंटाइटलमेंट्स के शेयर्स मिले हैं, यानी कि आपके डीमेट अकाउंट में जो अभी एक्स्ट्रा शेयर्स दिख रहा है, और यदि आप इस राइट इशू में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो 12 जुलाई के पहले पहले तक आप जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिला है उसको बेच दीजिएगा। बेच देंगे तो 13 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा, आपके डिमेट अकाउंट में आ जाएगा। नहीं बेचेंगे तो क्या होगा कि जब ये इशू क्लोज होगा, जैसे 19 जुलाई को ये इशू क्लोज हो रहा है, तो आपके डिमेट अकाउंट से जो आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं वो शेयर्स गायब हो जाएंगे। तो इससे नुकसान क्या होगा कि एक तो आपने अप्लाई भी नहीं किया, अप्लाई करते तो बहुत सारे बेनिफिट हो सकते थे जो मैंने शुरू में बताए, और नहीं अप्लाई किया तो चूंकि जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिले थे वो शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट से क्या हो गए, गायब हो गए। गायब हो गए तो आपको नुकसान हो गया, 6 शेयर्स कम से कम 6 शेयर्स का तो नुकसान हो गए क्योंकि आपने उसको बेच नहीं पाया। इसलिए यदि नहीं अप्लाई करना है तो आप उसको 12 जुलाई के पहले बेच दीजिएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, और यदि अप्लाई करना है तो मत बेचिएगा, उसको अप्लाई कर दीजिएगा। इस राइट इशू से जरिए कंपनी क्या क्या करने वाली है। सबसे पहले राइट इशू के जरिए कंपनी जो एसईपीसी कंपनी है वो 200 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है,
इतना हैवी अमाउंट कंपनी जुटा के करेगी क्या? कंपनी के पास थोड़ा बहुत कर्जा है, डेब्ट को कंपनी चुकाएगी और उसके बाद कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में इस पैसे का यूज करेगी। बिजनेस को एक्सपेंड करना काफी जरूरी होता है। ऑलरेडी कंपनी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है तो इंजीनियरिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है और भी तमाम काम करती है, लेकिन लीक से हटकर भी थोड़ा काम करना जरूरी होता है, जिसके लिए कंपनी पैसे जुटा रही है और इस पैसे का उपयोग कंपनी अपने कर्जे को कम करने में भी करेगी। तो इसके लिए आपको सिंपल नेट बैंकिंग अपना ओपन करना है, जिस भी बैंक का नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं। नेट बैंकिंग में एक आपको आसबा का ऑप्शन आता है, आपने सुना होगा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक अमाउंट, आईपीओ में अप्लाई करते हैं इसी ऑप्शन के थ्रू। तो ये काफी प्रसिद्ध एक प्रकार कह सकते हैं यंत्र है, जिसके जरिए लोग आईपीओ और राइट्स में अप्लाई करते हैं। तो आपके नेट बैंकिंग में ऑप्शन आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप अपने जो भी बैंक है उसके कस्टमर सपोर्ट में बात करके जान सकते हैं कि आसबा का ऑप्शन कहाँ पे आता है और कैसे राइट इशू या आईपीओ में अप्लाई करते हैं, वहां पे बता देंगे। जैसे आसबा वाला ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सभी राइट इशू जितने भी ओपन है आपको दिख जाएगा, वहीं से आप एसईपीसी में अप्लाई कर सकते हैं। 19 जुलाई तक आपके पास टाइम है। अब जब एक बार आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो आपको इस कंपनी के जो शेयर अभी एक्स्ट्रा शेयर मिले हैं वो एक्स्ट्रा से पूर्ण रूप से आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 24 जुलाई तक, और इसकी जो लिस्टिंग होनी है वो 31 जुलाई तक। जैसे आईपीओ में क्या होता है कि पहले आपको शेयर्स मिलता है उसके बाद लिस्टिंग हो जाती है, इसी तरीके से इसमें पहले शेयर्स मिलेगा उसके बाद इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पर हो जाएगी और आपका जो शेयर है जो एक्स्ट्रा शेयर पूर्ण रूप से आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि एसईपीसी के राइट इशू में यदि आप नहीं अप्लाई करना चाहते तो जो एक्स्ट्रा शेयर आपको मिले हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो कम से कम 6 एक्स्ट्रा शेयर तो मिला ही होगा, उसको आप 12 जुलाई के पहले बेच दीजिएगा और बेचने से उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आपको इसमें अप्लाई करने से होगा। अप्लाई करना ही चाहिए यदि आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं है, शेयर्स है लेकिन वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो क्या करेगा? मार्केट में अलग से राइट इशू के शेयर्स मिलते हैं तो क्या करेगा, मार्केट में अलग से राइट इशू के शेयर्स बाई कर लेगा अपने डीमैट अकाउंट से। एसईपीसी राइट इशू लिखेगा तो वहां पे इस कंपनी के राइट इशू का शेयर्स आ जाएगा, जिसका प्राइस 13 रुपए से शायद थोड़ा ज्यादा रहेगा और उससे उसको आपको बाई करना होगा और फिर अप्लाई करना होगा, तो आप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एसईपीसी राइट इशू के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल होगा, कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा या इंस्टाग्राम पर भी जरूर मुझसे बातें कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।